अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में। आज बहुत ही डंप एंड पंप हुआ है बिटकॉइन। अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट 4 आवर्स में आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ी कैंडल बुलिश बनाई है और आपके सामने ये ट्रेड भी कर रहा है। और ये बुलिश कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ओपन हुई है। अब फाइनली बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब ये ऊपर गया और बस चला गया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नहीं जी, ये अब नेक्स्ट क्या करने जा रहा है, कहां से किस लेवल से ये बुलिश होगा हमें, और हमें पता चलेगा कि ये न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा रहा है और ये नेक्स्ट जो है ना $80,000 की जानी भी ये जा रहा है। ये एक कैंडल बनाने से ये मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट जो है ना वो ऊपर ही चली गई है, नहीं, या नेक्स्ट ऊपर जाएगी। बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बात होगी, साथ आपको हेल्पफुल टोकन्स भी बताए जाएंगे जो कि इस गिरती हुई मार्केट में आप हमारे लिए बेहतरीन साबित जो है ना वो रहेंगे और हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनसे होगा। वीडियो बहुत कीमती होने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बाइनांस ने ZK कॉइन के नाम से एक आज कॉइन अचानक से लिस्ट किया है अपने एक्सचेंज के ऊपर। 147% यहाँ पर जा चुका है। बाकी जो मैंने आपको एंट्री बताई थी IO कॉइन की, इसमें आप लोग एंट्री डाल सकते हैं और ये अपनी एंट्री प्राइस पर आ चुका है, सही है। टाओ कॉइन में भी आप लोग एंट्री डाल सकते हैं, सही है। उसके बाद आप W कॉइन में भी एंट्री डाल सकते हैं। इस पर डेडिकेटेड इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगा एक दो कॉइन्स के ऊपर, तो फर्दर आपको समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हम सीधा जो है ना वो पहले हम चल लूज़र को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वो आपके सामने हैं, लेकिन लूज़र तो आपको नज़र आ रहे होंगे, गेनर्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो गेनर्स में यूनिफाई का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छी मूवमेंट करेगा और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। LDO कॉइन के बारे में मैंने बताया था। BNB भी ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट BNB को आप लोगों ने हल्का नहीं लेना, $600 से अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो BNB ऊपर ही है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, $67,000 की जानी बिटकॉइन आया है और एक घंटे में आप लोग देखें इसने पिछले 3 घंटों में बुलिश 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 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। दोस्तों 67,500 इसकी रेजिस्टेंस है, आप लोगों को पता होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर अभी अगर रात को ये क्लोजिंग करता है तो डेफिनेटली ये $69,000 समथिंग तक जा सकता है, लेकिन मैं इसको मानूंगा कि ये अपर ट्रेंड इसका तब स्टार्ट होगा जब ये 69,430 को क्रॉस करेगा और इससे ऊपर ऊपर ये ट्रेड करेगा, तब ही इसका बुल रन स्टार्ट, यानी कि ऊपर जाना इसका स्टार्ट होगा, पार्टी इसकी स्टार्ट होगी। बिटकॉइन जब $69,430 को ब्रेक करेगा तब ही अपसाइड इसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अदरवाइज़ इसकी डाउनसाइड ही है, जितना ऊपर मिले फिलहाल इसको स्कैल्प करें, शॉर्ट करें, नीचे आएगा। अगर $69,000 से ऊपर आपको मिलता है ट्रेड करता तो नेक्स्ट बिटकॉइन की मूवमेंट फिर हम अपसाइड की जानिब ही देखेंगे, फिर जल्दी ये डाउन आने वाले में से नहीं है। ऐसे ही एथेरियम को लेकर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा ये भी 3463 इसने लो लगाकर ये ऊपर गया है, तो ये भी आपको अगर $3600 से नीचे नीचे नज़र आता है तो डेफिनेटली ये जो है ना वो डाउन है। और उसके बाद जो है ना $3660 अगर इस ये क्रॉस कर जाता है और ऊपर ट्रेड करता है $3660 को, तो डेफिनेटली ये बिटकॉइन जो है ना वो आपको ऊपर नज़र आएगा 39,000-4,000 की रेंज के अंदर, ठीक है। ऐसे बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, $69,430 से ऊपर अगर क्रॉस करता है तो फिर हम अपसाइड की जानिब इसकी मूवमेंट देखेंगे, जो कि मुश्किल है मेरे हिसाब से। ये थोड़ा बहुत रीटेस्ट करेगा और उसके बाद एक दफ़ा फिर डिप आएगा अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्शन। बाकी जो लोग कह रहे थे कि आपकी सोलाना की जो है ना वो ट्रेड मिस हो गई, आपने जो है ना वो सोलाना का जो सिग्नल दिया था वो नहीं हिट हुआ, तो आप लोगों के सामने है दोस्तों TP1 आज तो हिट कर गया है, अगर हम फिर भी देखें तो आपके सामने हैं। तो $152 मैंने इसका बल्कि $152 और 50 सेंट मैंने SL लगाकर आपको सेल करवाया था और आप लोग देख सकते हैं, और मैंने सेल यहां से ही करवाया था, यहां से जब मार्केट इधर थी। मुसलसल डाउन आई है मार्केट, ठीक है, मुसलसल डाउन ही डाउन आई है।
और अब ये ऊपर जा रही है दोबारा दोबारा उस एंट्री प्राइस पर मौजूद है। मेरा टीपी वन हिट हुआ है, आप लोगों ने क्लोज़ किया नहीं किया, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा, मेरा ईद गिफ्ट था जो शॉर्ट ट्रेड मैंने करवाई थी सोलाना की, तो आप लोग माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैं ऑल्ट्स कॉइन बताऊँगा जो कि लास्ट डिप में होंगे, लीड डिप में हैं, और उनको हम अगर बाय करेंगे तो ऑल्ट सीजन में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस एजुकेशनल वीडियो, आपका प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे कहने पर आपने बाय सेल नहीं करनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।